सो हे एवरीवन, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आज हम एक बहुत अजीब चैलेंज लेने वाले हैं, दैट इज़ आज हमें 16 आवर्स का लेक्चर देखना है। सुन के ही बहुत अजीब लग रहा होगा, बट चलो करके देखते हैं क्या होता है। सो ये रहा आज का टू-डू लिस्ट। आज हमें करना है मॉर्निंग रिवीजन, दैट इज कल के क्लास का रिवीजन, अकाउंट्स का 2 लेक्चर, डीटी का 2 लेक्चर, लॉ का 2 लेक्चर एंड रिवीजन ऑफ द डे। देख रहे हो फटी पड़ी है लेकिन स्माइल नहीं रुक रही है, क्या करे, यही तो मेरा टैलेंट है। वेल स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग रिवीजन से, जिसमें मैं कल की क्लास को रिवीजन कर रहा हूँ। लाइक कल जो भी क्लास लिया था उसको एक बार गो थ्रू कर रहा हूँ कि अब तक क्या क्या सीन हुआ है। और ये हमारा कॉफी, और पता नहीं कि आजकल हम अपनी क्रश के कम कॉफी के ज्यादा दीवाने हो रहे हैं। कोई बात नहीं, जीवन है, ये सब होता है। वेल अभी स्टार्ट करते हैं अपना अकाउंट्स का क्लास। और अकाउंट्स का हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी चल रहा है, और जब मैंने एक्चुअल में कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा तो मुझे एक चीज़ रियलाइज हुआ कि यार हम लोग अभी अंडे में भी नहीं थे, हम लोग अभी वो स्पर्म की रेस में ही थे। एंड 10:40 तक हमारा अकाउंट्स का फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो गया है। एंड ये मैं एक वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ, और अगर ये ब्लॉग कोई फाउंडेशन वाला स्टूडेंट देख रहे हैं ना, तो भाई आप लोगों के लिए एकदम खतरनाक वीडियो आने वाला है, जिसमें कि आप सभी लोगों के प्रॉब्लम का वन स्टॉप सोल्यूशन होगा। मींस लास्ट 2 मंथ में मैंने कैसे स्टडी किया था, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया था, एडिशनल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने कौन सा मटेरियल यूज किया था, मैंने क्या गलतियाँ किया था, क्या गलती आपको अवॉइड करना चाहिए, एंड कई सारे टिप्स एंड ट्रिक जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। बट वो वीडियो मे भी थोड़ा लेट आएगा, मैं ट्राई करूँगा कि मैं थर्सडे को 8:30 PM तक अपलोड कर दूँ। बाकी आप वो वीडियो जरा भी मिस नहीं कर सकते बिकॉज आपका ही नुकसान है उसमें। एंड कई लोग पूछते हैं कि आप कितने स्पीड पर लेक्चर्स को देखते हो, सो मैं लेक्चर 1.5x से लेकर 2.4x तक देखता हूँ। अब डिपेंड करता है कि उस समय क्या सीन चल रहा है। अगर कोई न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे तो 1.8x से लेकर 2x तक देखता हूँ। अगर वो कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट है तो 1.5x तक। एंड अगर सर किसी के डाउट्स क्लियर कर रहे हैं एंड वो डाउट्स मेरे को नहीं है तो 2.4x तक। एंड जब सर कोई अपने जमाने की कोई बात बोल रहे होते, कोई कहानी सुना रहे होते, तब 2.4x पर, क्योंकि उस समय सर कोई भी टेक्निकल लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे, एकदम सिंपल टर्म में सब बता रहे, तो 2.4x पे भी देखो ना तो इजीली समझ जाता है। बट टाइम उतना ही लगता है बिकॉज की बार बार मैं बीच में लेक्चर को पॉज करके मैं नोट्स बना रहा होता हूँ, तो टाइम उतना ही लगता है। तो जी फाइनली 2:30 तक हमारा अकाउंट्स का दोनों क्लास हो गया, एंड सिर्फ एक ही क्वेश्चन का वजह से ना पूरा इतना लेट हुआ, वरना 30 मिनट्स पहले 2 PM तक हो जाता, लेकिन इसी क्वेश्चन की वजह से हुआ। एंड इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, सब कुछ ठीक ठाक था, मेरी गलती की वजह से हुआ था। बेसिकली क्या होता कि ना यहाँ पे ना 10 लाख में से ना मुझे 1K माइनस करने का था, तो मैंने कितना माइनस कर दिया, 10K माइनस कर दियो, तो यहाँ पे आना चाहिए 9,99,000। तो इसी चक्कर में मैंने यहाँ पे भी 9,90,000 लिख दिया, तभी मैंने करेक्ट किया, 9,99,000 किया। और फिर उसके वजह से बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा था, इतना कम आ रहा था यहाँ पे, इतना कम आ रहा था, इतना मैं देख रहा हूँ कहाँ गड़बड़ हो, कहाँ गड़बड़ हुआ। फिर बाद में देखा, पता चला वही देखा कि मुझे खुद से नहीं पता चला, मैंने बुक में देखा, अपने मॉड्यूल के बुक में देखा, ये मैं मॉड्यूल में देखा, यहाँ पर मॉड्यूल में देखा कि यहाँ पर 9,99,000 है और मेरे में 9,90,000 है, और जो कि मैंने ठीक किया, बस मैंने यहाँ पे मैंने एक लेस कर दिया, मतलब कि 1K की जगह मैंने 10K लेस कर दिया था। एंड सिर्फ वही गलती कारण मैं इतना लेट हो गया। तब से मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है कि यार टैली क्यों नहीं हो रहा है, सब ठीक तो किया, ठीक तो किया हो, फिर जाके वो मिला। हाँ अभी 2:30 हो रहा है तो लंच करके आते हैं उसके। सो मैं लंच करके आ गया एंड अभी डीडी का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, मतलब अभी नहीं, थोड़ा बहुत टाइम पास वगैरह करके स्टार्ट करेंगे। वैसे मैं बीच बीच में भी फ़ोन यूज़ करता हूँ, बट अभी के टाइम ना बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, लाइक सब कुछ चलाता हूँ, रील्स वगैरह एंड जो जो मन करे वो सब चलाने लगता हूँ। शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। मैं खा रहा था किसमिस एंड मुझे जरा भी आइडिया नहीं था कि सर आज क्लास में प्रार्थना करवाएंगे, तो मैंने किसमिस खाते खाते प्रेयर स्टार्ट कर दिया। ऐसे मुझे अपने स्कूल का सीन याद आ गया कि स्कूल के टाइम पे भी जब प्रेयर होता था तो हम लोग चॉकलेट्स वगैरह खाया करते थे, एक दूसरे को आँख खोल के देखा करते थे। और फिर नैप लेके मैंने अपनी क्लास कंटिन्यू कर दिया। एंड किसी ने तो पूछा था कि आईसीआई कितने सारे मॉड्यूल है, कोचिंग वाले ने इतने मॉड्यूल प्रोवाइड किए, तो स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा हो गया, तो किसे फॉलो करें समझ नहीं आता है आप क्या करते हो। सो देखो अगर हम कोचिंग ज्वाइन किए तो ऑब्वियसली कोचिंग वाले अपने नोट्स ही हमें पढ़ाएंगे, तो हमें ना चाह कर भी हमें उनके नोट्स से ही पढ़ना पड़ेगा। बट मैं क्या करता हूँ कि मैं अक्सर उनके नोट्स से, ऑलमोस्ट मैं उनके नोट्स से ही पढ़ता हूँ,
बट जब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता हूँ ना, तो एक बार मैं अपने मॉडल को भी रेफर कर लेता हूँ कि सारे इलस्ट्रेशन है ना, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, अगर उसमें है तो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं रहता है वो मैं मॉडल से प्रैक्टिस कर लेता हूँ। एंड 6 पीएम तक डीटी का फर्स्ट क्लास हो जाता है, तो अभी मैं आपसे मिलता हूँ मेरे 1 आवर ब्रेक के बाद। वैसे मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ना अब तक मेरा डीटी का सेकंड लेक्चर भी हो जाना चाहिए था, पर ऐसा कभी हुआ है कि मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही मेरा डे चल रहा हो? कभी नहीं। खैर कोई ना, सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते। एंड एक क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है कि मैं कितने आवर स्टडी करता हूँ एंड अपने स्टडी आवर को कैसे इंक्रीज करें। देखो मैं कभी नहीं गिनता हूँ कि मैं कितने आवर स्टडी कर रहा हूँ, एंड स्टडी आवर को इंक्रीज करने के पीछे क्यों लगे हो। देखो मेरा एकदम सिंपल फंडा है, आप डेली के अपने टारगेट्स बनाओ, लाइक सोने से पहले या फिर उठने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग अपने डेली का टारगेट्स बना लो कि आज मुझे ये करने का है, आज मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है, और उससे कंप्लीट करने के पीछे लग जाओ। जब आप उससे पीछे लग जाओगे ना, तो आपका स्टडी आवर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। एंड ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग के मैसेज आ रहे हैं, बट मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे खुद को नहीं पता है कि क्या सीन होने वाला है, कि हमारे एग्जाम सेप्टेम्बर में होंगे या फिर नवंबर में होंगे या जनवरी में होंगे। देखो मुझे भी एकदम से कुछ भी नहीं पता, जब तक आईसीए ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं कर देता है तब तक कुछ नहीं कर सकते, एंड ये हमारे कंट्रोल में है भी नहीं, सो इसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है। आई नो कि अगर आप सोच रहे हो कि सितंबर में एग्जाम हो तो क्या करेंगे, तो कुछ भी नहीं बोल सकते जब तक आईसीए का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आ जाता है। बस एक ही काम कर सकते हैं कि अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, लाइक जैसा स्टडी चल रहा है वैसा कर सकते हैं, बाकी जब अनाउंसमेंट ना होगा तब देखेंगे। एंड ये फाइनली डीटी का सेकंड क्लास हो गया, एंड ये देखो मोदक। वैसे इतनी रात को मैं जल्दी कुछ खाता नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड ये गर्म गर्म रहता है तो और अच्छा लगता है, तो सुबह में ठंडा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैं खा रहा हूँ। इसमें मम्मा ने ना जैगरी और वो बोलते हैं ना क्या नाम उसका वाइट वाले का, खोबरा, हाँ वो मिक्स किया है। तो चलो अभी अपना लॉ का क्लास स्टार्ट करते हैं, और अब मुझे नहीं पता कि मैं कब तक क्लास देख पाऊंगा, बिकॉज कि बहुत नाइट होते जा रहा है, एंड जैसे जैसे नाइट होते जाते हैं ना वैसे वैसे मेरा एनर्जी भी डाउन होते जाता है। सो देखो अब मैं कब तक क्लास ले पाता हूँ। तो फाइनली 11:30 तक लॉ का फर्स्ट क्लास हो गया, एंड अभी मैं कोई क्लास नहीं ले रहा हूँ बिकॉज कि मेरा मन नहीं कर रहा है, प्लस मैं बहुत थक भी गया हूँ। आई नो कि हमारा रिवीजन बाकी है आज का, बट मैं वो सुबह उठ के कर लूँगा। अभी मैं जा रहा हूँ सोने, एंड इस चीज़ को सिर्फ चैलेंज के तौर पर लेना, एक दिन में 6 क्लास देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से भी हो सकता है। बाकी मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड मचाते रहो।